All right, guys, fifth and the last most important mistake you all do right after your training. आपको ये सुनना ही पड़ेगा और we all do that mistakes. मैंने भी करी है पहले. वो mistake है right after your training you eating your good fats. What's up YouTube channel, कैसे सब लोग. आज बात करेंगे पांच mistakes हम कर बैठते हैं आफ्टर द वर्कआउट, राइट आफ्टर द वर्कआउट. हम मैंने भी करी हैं. सो वो पांच में से एक कौन सी हैं जो बहुत ही कॉमन है बट वी ऑल डू, जिससे हमारे गेंस जो है वो डिले हो जाते हैं. तो इस वीडियो को पूरा देखना बिकॉज आई एम गोना शेयर माय टिप्स विद यू गाइस. एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ लीव द कमेंट्स बिलो, बताना हाउ वाज द वीडियो, लेट्स गो. तो पहली मिस्टेक जो मैं देखता हूँ जहाँ मेरे जिम में जो आते हैं, जो मुझसे पूछते हैं जब उनका वर्कआउट फिनिश हो जाता है, द फर्स्ट थिंग दे डू इज़ ड्रिंक देयर प्रोटीन इन द मिल्क. देखिए, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि प्रोटीन को मिल्क में डालना इज़ अ रॉन्ग थिंग. आप उसको पी सकते हो, दैट इज़ ओके, बट राइट आफ्टर द वर्कआउट आपको जो प्रोटीन है वो मिल्क में नहीं डालना है. क्योंकि व्हेन वी आर डन विद द ट्रेनिंग, जब हम ट्रेनिंग ख़त्म कर देते हैं, हमारे मसल्स को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्विक प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्विक सप्लाई ऑफ प्रोटीन की ज़रूरत होती है, एंड वो वे प्रोटीन होता है जब हम उसको ड्रिंक करते हैं. बट जब हम उसको मिल्क में ऐड कर देते हैं, अगर वो जो फास्ट एक्टिंग प्रोटीन था विच इज़ सपोज टू बी गिविंग यू अ रिकवरी, जब आप उसमें मिल्क ऐड कर देते हो राइट आफ्टर योर ट्रेनिंग, जो उसकी डाइजेशन है वो स्लो हो जाती है. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग अ इंस्टेंट रिकवरी, वो प्रोटीन स्लो डाइजेस्टिंग हो जाता है. सो यू डोंट नीड वे प्रोटीन इन योर मिल्क. इस चीज़ का ध्यान रखें. आप एनी टाइम ऑफ द डे मिल्क में पी सकते हो, बट अगर आप ट्रेनिंग के बाद पी रहे हो देन इट्स गोना गिव यू नॉट बेटर रिजल्ट्स. सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ड्रिंक योर प्रोटीन इन द वाटर, जस्ट प्लेन वाटर, एड सम ग्लूटामिन एंड BCAAs, व्हाटएवर यू लाइक, क्रिएटिन इन योर वे प्रोटीन, एंड देन इट्स अ कम्प्लीट प्रोटीन सोर्स. उसको पानी में पिए, ना कि दूध में पिए. आई सी लॉट ऑफ यंग गाइज, जो स्कूल गोइंग गाइज हैं, कॉलेज गोइंग गाइज हैं, वो दूध में पीते हैं ये सोच के कि हम गेनिंग करने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू गेन मसल्स इफ आई ड्रिंक वे प्रोटीन इन द मिल्क. शायद कुछ सप्लीमेंट्स वाले भी उनको बोल देते हैं कि दूध में पियो या ऐसे करो. सो इट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू. सो मेक श्योर आप उसको पानी में पिए. ऑलराइट, दूसरी मिस्टेक है नॉट टेकिंग अ कोल्ड शावर आफ्टर योर वर्कआउट. देखिए, कोल्ड शावर लेना आफ्टर वर्कआउट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोल्ड शावर से आपकी जो फैट है वो मोबिलाइज होती है, और जितनी ज़्यादा फैट मोबिलाइज होगी उतना ही अच्छा होगा. यू गोना बर्न मोर फैट एंड गेट मोर रिकवरी. सो हमारा जो गोल होता है, अल्टीमेट गोल क्या होता है, हमारा गोल होता है फैट लॉस करना एंड लीन मसल गेन करना. अगर आप जिम लगाते हो एंड यू आर स्टिल स्वेटिंग, जैसे मैं अभी स्वेट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जिम में बहुत गर्मी है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी एयर कंडीशन इन द जिम, नो कूलर्स, जस्ट फैंस. तो हमारे यहाँ पे बहुत स्वेटिंग होती है. तो राइट आफ्टर व्हेन यू आर डन विद द ट्रेनिंग, मेक श्योर यू गो फॉर अ कोल्ड शावर. ठंडे पानी से नहाएं, हो सके तो उसमें आइस मिक्स कर दें इन योर नॉर्मल वाटर. उससे क्या होगा, आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो भी दूर हो जाएगी एंड आपकी रिकवरी है वो जो उसका प्रोसेस है वो और तेज़ होने वाला है. नॉर्मल पानी से, थोड़ा ठंडे पानी से नहाएं, लाइक उसमें आइस डाल के, जिसको आइस बाथ बोलते हैं, इट्स गोना गिव यू अ मोर रिकवरी एंड बर्न मोर फैट. ऑलराइट, थर्ड थिंग इज़ नॉट टेकिंग अ नैप इन द आफ्टरनून. आई नो लॉट ऑफ यू गाइज आर बिजी, बहुत सारे लोग बिजी हैं या स्टडी कर रहे हैं या जॉब करते हैं. दोपहर को नींद ना लेना पॉसिबल नहीं होता है कईयों का, आई अंडरस्टैंड दैट. बट अगर आप 15 या 20 मिनट की छोटी सी नैप मैनेज कर सकते हो देन इट्स रियली गुड. उस नैप से आप अपना पूरे दिन की थकावट से दूर हो सकते हो. आपका जो वर्कआउट से थकावट हुई है आपको, अगर आपने सुबह वर्कआउट करा या सुबह ट्रेनिंग करी है, आप अगर दोपहर को नैप लेते हो 15-20 मिनट की, आपकी जो रिकवरी है और तेज़ होने वाली है. यू गोना गेट मोर रिकवर. उस 15 मिनट की नैप से ही आपकी बॉडी इतनी फ्रेश हो जाएगी दैट आपका जो अगला टाइम है दोपहर के बाद का टाइम है और अच्छा जाने वाला है. सो मेक श्योर 15-20 मिनट का नैप जो है उसको मैनेज करें and it's gonna give you a good results. All right guys, the fourth thing is not having a pre-workout meal. Agar aap subah workout kar rahe ho 6 AM and 7 AM, make sure you have a small pre-workout meal. Hamara goal hota hai progress karna weights mein. You have to make sure aapko progressive overload karna hai if you're trying to gain lean muscle mass. Wo tabhi possible hai if you have a food right before your training. So make sure you have banana or whey protein, egg whites or oats or anything that works for you. ज़रूर प्री वर्कआउट मील ज़रूर ऐड करें. उसी से आपको एनर्जी आएगी लिफ्ट करने की, हैवी लिफ्ट करने की. हमारा गोल यही होता है टू लिफ्ट हैवी वेट
एंड दिस इज़ द अल्टीमेट गोल वी ऑल नीड, वी ऑल डू. फैट को लूज करना, लीन मसल गेन करना, सो हैवी लिफ्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, मेक श्योर यू डू दैट. ऑलराइट गाइस, फिफ्थ एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक यू ऑल डू राइट आफ्टर योर ट्रेनिंग, आपको ये सुनना ही पड़ेगा, और वी ऑल डू दैट मिस्टेक्स, मैंने भी करी है पहले. वो मिस्टेक है राइट आफ्टर योर ट्रेनिंग यू ईटिंग योर गुड फैट्स, जैसे कि पीनट बटर खा रहे हो सैंडविच पे लगा के, या आलमंड्स खा रहे हो आफ्टर योर ट्रेनिंग, या कैशूज खा रहे हो थिंकिंग कि ये प्रोटीन है. नहीं भाई, वो फैट्स हैं. फैट्स स्लो डाउन द डाइजेशन. आपको फास्ट एक्टिंग प्रोटीन की ज़रूरत है आफ्टर योर ट्रेनिंग, लाइक एग वाइट्स और चिकन. मीडियम एक्टिंग प्रोटीन लाइक फिश. आप आलमंड्स, आलमंड बटर, पीनट बटर, ब्रेड्स ये सब नहीं खा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी डाइजेशन को स्लो कर देते हैं. मैं ये करता रहा हूँ सैंडविच पे पीनट बटर लगा के. जब पीनट बटर नए नए आए थे 2015 में, आई वॉज जस्ट डूइंग वर्कआउट, और वर्कआउट के तुरंत बाद मैं पीनट बटर पे सॉरी ब्रेड पे पीनट बटर लगा के आई वॉज हैविंग दैट. तो आई वॉज डूइंग ऑपोजिट. तो आपको जो फैट्स है राइट आफ्टर योर ट्रेनिंग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. यू कैन हैव इट राइट बिफोर योर ट्रेनिंग. वर्कआउट से पहले आप ले सकते हो, बट वर्कआउट के तुरंत बाद फैट्स लेना इज़ अ क्राइम, इज़ अ बिग बिग क्राइम. सो यू डोंट डू दैट मिस्टेक गाइज. आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा. सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरी अगली वीडियो की. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड लीव द कमेंट्स बिलो. आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. डू टेक केयर ऑफ योर मदर.